The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Main hoon aapka Dr. Paramjeet Singh aur aap dekh rahe hain Dr. Education ek baar phir. आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर एजुकेशन, और हम आप लोगों को बताएंगे आज गर्मियों में समर में होने वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है डिहाइड्रेशन। तो क्या होती है ये प्रॉब्लम, क्यों होती है ये प्रॉब्लम, इसके बारे में जानेंगे। डिहाइड्रेशन, कमाल की बात तो यह है कि कोरोना वायरस के सीरियस हो जाने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। डिहाइड्रेशन, किसी भी प्रकार के फीवर से आपके शरीर गर्म हो जाता है, गर्मी से आपकी बॉडी हीट, बॉडी वेपर, वेपर्स इतने प्रोड्यूस होते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाए। वन ऑफ द बेसिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी वायरल इलनेस इज बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन, वन ऑफ द मेन। ठीक है, अदर भी बहुत सारे हैं लेकिन वन ऑफ द मेन। सो एक पार्ट को तो ठीक करना चाहिए, तो आज हम ठीक करेंगे आपका डिहाइड्रेशन। तो क्या होता है डिहाइड्रेशन, क्यों होता है डिहाइड्रेशन, कैसे होता है डिहाइड्रेशन, सब बात जानेंगे। सो आइए बात करते हैं। तो डिहाइड्रेशन इज व्हेन, दो तरीके से होता है, ठीक है, या तो व्हेन यू यूज और यू लूज मोर फ्लूइड देन यू टेक इन। सुन रहे हैं, व्हेन यू यूज, यूज का मतलब है या तो आपको बुखार में इस्तेमाल हो रहा है बॉडी को ठंडा रखने के लिए, या तो आप दौड़ भाग इतनी कर रहे हो कि बॉडी गर्म हो रही है और आपको बॉडी को ठंडा रखने के लिए इतना सारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो यो, या तो यू यूज और यू लूज। लूज का मतलब क्या है, लूजिंग इन स्वेट, लूजिंग इन डायरिया, इन वॉमिटिंग। तो या तो यू लूज या तो यू यूज लॉट ऑफ फ्लूइड, पानी जितना आप पी रहे हो उससे ज्यादा, दैट इज द बेसिक ऑफ डिहाइड्रेशन। सो जब पानी शरीर का 60-70% हिस्सा पानी होता है, कभी 60 कभी 70 डिपेंडिंग अपॉन आपकी नीड, आपकी बॉडी का वाटर इनटेक, आपकी कंडीशन, ठीक है। सो जब पानी नहीं होता इनफ तो क्या होता है, आपके दूसरे फ्लूइड जो है वो भी नहीं बनते, जो खून है, जो बाकी बॉडी चीजें हैं, तो वो नॉर्मल फंक्शंस नहीं हो पाते बॉडी के। सो जब नॉर्मल फंक्शन ही नहीं हो पाएंगे तो कहां से वायरस से लड़ोगे, कहां से रिकवरी करोगे, कहां से मसल गेन होगा, कहां से बॉडी पेन कम होगा, कहां से चीजें ठीक होगी, चाहे कोई भी बीमारी हो। सो हाइड्रेशन इज अ प्राइमरी थिंग, किडनी खराब होने लग जाती है। सो इफ यू डोंट रिप्लेस योर लॉस्ट फ्लूइड्स यू गेट डिहाइड्रेटेड। आज तक पता ही नहीं था, पता था लेकिन उसके बेसिक समझते हैं। So, कोई भी डिहाइड्रेट हो सकता है, कभी भी डिहाइड्रेट हो सकता है, किसी भी मौसम में डिहाइड्रेट हो सकता है, मगर ये डेंजरस हो सकते हैं गर्मी में, डेंजरस हो सकता है बच्चों के मामले में, और डेंजरस हो सकता है बुजुर्गों के मामले में। सिंपल, ठीक है। अब इसको खतरनाक पॉइंट है इसलिए पहले बता दिया, ठीक है। अब कॉज की बात करेंगे, बच्चों में सबसे कॉमन कॉज क्या है, सीवियर डिहाइड्रेशन वॉमिटिंग, ठीक है, सबसे जरूरी है। ओल्डर एडल्ट में सबसे ज्यादा लॉस का कारण क्या है, दवाइयाँ, जो दवाइयों से कई बार डायूरेसिस होता है, पेशाब ज़्यादा निकलता है, या फिर पानी ही कम पीते हैं, दोज काइंड ऑफ थिंग्स आर ओल्डर एडल्ट्स में। माइनर इलनेसेस जैसे कोई इन्फेक्शन है लंग्स में, ब्लैडर में, वो भी डिहाइड्रेशन करेंगी। डिहाइड्रेशन आपका और भी बहुत सारी तरीके की चीज़ों से हो सकती है, अगर आपने गर्म वेदर है तो भी डिहाइड्रेशन होगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत पसीना निकल रहा है तो भी होगा। और माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन को रिवर्स करना बहुत आसान है। माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन में, माइल्ड डिहाइड्रेशन जब हो जाता है ना तब जाके आपको प्यास लगती है। तो ये मत सोचिए प्यास ही नहीं लगती, मैं पानी नहीं पीता, दैट इज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग एंड यू विल फेस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपकी किडनी छिडनी फिडनी खराब होने लग जाएगी, समझे। मजाक में ना लीजिए, शेयर करिए, लाइक भी करिए, ओके। सो प्यास लग रही है मतलब आप डिहाइड्रेशन है माइल्ड, मॉडरेट डिहाइड्रेशन मतलब बहुत ही प्यास लग रही है। माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन को आप पानी पी के उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन सीवियर डिहाइड्रेशन इज अ मेडिकल एमरजेंसी, जान जा सकती है भैया। सीवियर डिहाइड्रेशन इज अ मेडिकल एमरजेंसी, यू हैव टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट इमीडिएटली। उसके लिए आपको पता होना चाहिए उसके साइन सिम्टम क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके फीचर क्या है। तो एक याद रखिए, प्यास इसका कोई इंडिकेशन नहीं है, प्यास बॉडी की नीड के है। माइल्ड डिहाइड्रेशन में भी प्यास आने लगेगी, प्यास लगने का इंतजार नहीं करना है। अगर आपको प्यास लग रही है तो आप ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड हो, बात खत्म। तो प्यास,
अब साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन उम्र के साथ ऊपर नीचे होते हैं, दूसरी बीमारियों के साथ ऊपर नीचे होते हैं, दवाई के साथ ऊपर नीचे होते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन के जो साइन सिम्टम है कुछ और चीजों में भी आ सकते हैं, जैसे ड्राई माउथ, ड्राई टंग, डिहाइड्रेशन प्लस बहुत सारी बीमारी दवाई के साइड इफेक्ट से हो सकते हैं। आंसू नहीं आते डिहाइड्रेशन में, आंसू नहीं आते, रो रहे तो भी आंसू नहीं आते, राइट। और बच्चों के केस में अगर बच्चे 3-4 घंटे तक पेशाब ना करे उसको डिहाइड्रेशन का साइन माना जाता है, छोटे बच्चे जो डायपर वाले बच्चे हैं, राइट। आंखें अंदर घुस जाए, शंकन आईज, चीक अंदर चले जाए, वो भी डिहाइड्रेशन का साइन माना जाता है। सॉफ्ट स्पॉट आपके स्कल में, बच्चों के स्कल में सॉफ्ट स्पॉट आ जाए, वो डिहाइड्रेशन है। या फिर बच्चा जो है लिस्टलेसनेस हो जाए, ध्यान न दे रहा, सुन ही नहीं रहा, इरिटेबल हो रहा है, दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन इन पीपल, बच्चे खासकर, ठीक है, बच्चे में, यंग अडल्ट इन्फेंट। एडल्ट में एक्सट्रीम प्यास लगेगी, पेशाब कम आने लगेगी, काले रंग का तो नहीं बट डार्क कलर का पेशाब आएगा, फटीग होगा, डार्क येलो, डार्क ऑरेंजिश फटीग, थकान, चक्कर आना, कंफ्यूजन, बेहोशी भी आ सकती है। तो ऐसा कुछ भी हो रहा है, डायरिया है, पानी नहीं पी पा रहे हो, चक्कर आ रहा है, खून आ रहा है लैट्रिन में, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। याद रखिए, बुखार में, उल्टी दस्त में, पसीने में, पेशाब ज़्यादा आने में बीमारी हो सकती है। बच्चे, ओल्ड एडल्ट्स और जिनको क्रोनिक इलनेस है, जो बहुत ज़्यादा और बाहर एक्सरसाइज करते हैं, उनको दिक्कत है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन को नहीं ठीक करा समय पर, हमारी जिम्मेदारी नहीं है लेकिन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन सर, हेड इंजरी, जी हाँ, अगर आप पानी नहीं पीते, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करो, आप गिर जाओगे, सर पे चोट लगेगी, हेड इंजरी, जी हाँ, चक्कर बहुत कॉमन है। क्रैम्प्स आ सकते हैं, हीट क्रैम्प्स आ सकते हैं, हीट एग्जॉशन, एग्जॉशन हो सकता है, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन इज अ पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, मजाक ना है ये, हाँ जी, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग है ये, हाँ। और यूरिनरी किडनी प्रॉब्लम्स, प्रोलॉन्ग रिपीटेड बाउट्स ऑफ डिहाइड्रेशन कैन कॉज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन, इवन कॉज किडनी फेलियर, दौरे पड़ सकते हैं, दिमाग में खून नहीं, पानी नहीं जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर प्रॉब्लमेटिक हो जाए, पोटेशियम सोडियम जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के लिए इंपॉर्टेंट है सेल टू सेल बेसिस पे, ये इलेक्ट्रिकल इंबैलेंस हो जाने पे दिमाग में इलेक्ट्रिकल दौरे पड़ सकते हैं, इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, सोचा था कभी। और ब्लीडिंग, ब्लीडिंग जो होती है, जो जैसे अगर मान लो किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो उससे क्या होता है, खून कम हो जाता है, तो वो बेहोश हो जाता है शॉक में, यही चीज डिहाइड्रेशन में भी हो सकती है। हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एंड समटाइम्स लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, जिसको आपको समझना है। सो दिस इज, ऐसे में ब्लड प्रेशर लो होने लग जाता है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके शरीर में कम होने लग जाता है, तो फिर इसको प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। आपको अगर डायरिया वॉमिटिंग है, बच्चे को डायरिया वॉमिटिंग है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, हर एक डायरिया के बाद, हर एक लूज मोशन के बाद पानी जरूर पिलाना है, वॉमिटिंग रोकने की दवा लेनी है या डॉक्टर के पास जरूर जाना है। स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हो तो बीच बीच में सिप्स ऑफ पानी पीते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहना है, बहुत जरूरी है, इलेक्ट्रॉल या इलेक्ट्रोलाइट्स बीच में लेना। अगर 1.5 घंटे, आधे 1 घंटे से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो स्पोर्ट्स ड्रिंक तब लेना होता है, स्पोर्ट्स ड्रिंक जो बोलते हैं ना, वो उसके लिए है, छोटी सी एक्सरसाइज, 10 मिनट की एक्सरसाइज के लिए नहीं है। अगर उसके बारे में नहीं पता तो हमारा वीडियो है उस पर भी। हॉट एंड कोल्ड वेदर है तो उसके हिसाब से आपको पानी पीना पड़ेगा, हॉट वेदर है 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीना होगा, ये बहुत जरूरी एस्पेक्ट है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। हॉट वेदर में 1 लीटर एक्स्ट्रा पानी पीना होता है, तो एक नॉर्मल इंसान को, नॉर्मल जिंदगी में आदमी को 3.7 लीटर, फीमेल को 2.7 लीटर पीना होता है। अब गर्मी आ गई है तो कितना पीना होगा, एक ज्यादा, तो फीमेल 3.7, आदमी 4.7, इतना पीते हो आप? नहीं, कई बार मैं भी नहीं पीता, तो ध्यान देना पड़ता भैया, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है, मुझे पता है सबके साथ होता है बट ध्यान दो। और बीमारी अगर आपको किसी प्रकार की है, कोई भी प्रकार की, आपको मान लो कोई फीवर हो जाए, इन्फ्लुएंजा हो जाए, ब्रोंकाइटिस हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, बहुत पानी पीना है, बहुत जरूरी है पानी पीना उस समय, याद रखिए, उस समय पानी आपके लिए ट्रीटमेंट का काम करेगा, समझे, जल इज इंपॉर्टेंट। और डिहाइड्रेशन के लिए हमें यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, हम ब्लड टेस्ट करके इलेक्ट्रोलाइट्स चेक कर सकते हैं, और जब सिवियर केसेस जाते हैं तो आईवी फ्लूइड्स जो देने पड़ते हैं, ग्लूकोज चलाना पड़ता है, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हैं, टेक्निकली आईवी फ्लूइड्स हैं, ग्लूकोज है, सलाइन है, रिंगर लैक्टेट है, ये सब चलाना होता है। घर में आप इलेक्ट्रॉल दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉल या ORS दे सकते हैं, ORS नहीं है तो नारियल पानी दे सकते हैं, वो नहीं है तो नमक और शक्कर का घोल पी सकते हैं, 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक, ये सब पी सकते हैं, बहुत सारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और डिहाइड्रेशन में ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, टेम्परेचर, इसको रेगुलर चेक करना चाहिए, इसको गिनते रहना चाहिए,
ये ऊपर नीचे होता है तो पता चलते रहता है। बच्चों के केस में, छोटे बच्चों के केस में हमें कई बार फ्लूइड, आईवी फ्लूइड बहुत जरूरी इमरजेंसी बेसिस पे चलाना पड़ जाता है। सो रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स, डिहाइड्रेशन से बचें, डिहाइड्रेशन को हल्के में ना लें, ये पैरों तले जमीन खिसका सकता है, ऐसी चीज है। तो पानी पीते रहें, बच्चों को चेक करते रहें, बच्चों को गर्मी में ना रखें, ऐसा कार में किसी को छोड़ के ना जाएं, बहुत बड़ा कारण है वो, छोटी बात नहीं है, डोंट टेक इट लाइटली। तो दिस इज ऑल अबाउट डिहाइड्रेशन। थैंक यू सो मच।